कन्हैया, I'm sorry भैया, ये जो मेरी ज़बान है ना, इसे चुप रहने की आदत नहीं। लेकिन तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र करो मैंने भाभी को फोटो नहीं दिखाया। फोटो? नहीं नहीं, वो तुम कभी नहीं बताओगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। क्यों? ये तो मुझे मालूम है। वाह, आप तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। भैया आप मेरा मजाक मत करें। नहीं मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, बड़े जच रहे हो। वाह वाह, क्या सूट है, ब्यूटीफुल। ये क्या दिखता है लेकिन जेब नहीं। देखने में तो आप भी अकलमंद दिखते हैं भैया। तुम्हारा बड़ा भाई जो ठहरा है। हाथ मत लगाओ। पॉकेट क्या है? यहाँ क्या? बहुत खूब बहुत खूब। हाथ मत लगाओ। पॉकेट इस तरफ भी है क्या? हाँ हाँ, चारों तरफ पॉकेट है। हाँ टाइम क्या हुआ? टाइम टाइम देखिए, जब आपका टाइम अच्छा नहीं है आप टाइम क्यों पूछते हैं? कन्हैया ठीक से टाइम बता दे। क्यों, आपकी घड़ी नहीं चलती क्या? अरे चलती तो है लेकिन लेकिन ठीक से नहीं चलती। प्लीज प्लीज। अच्छी बात है, बताता हूँ, लेकिन मुझे बार बार तंग नहीं करना। ओके ओके। 9:30 बिल्कुल ठीक। ठीक? यहाँ तो रात के 9:30 बजे हैं। चलता हूँ। सुनिए काम है क्या? था सो अच्छी तरह से हो गया। चलता हूँ। घर वाले की गालियां सुनने को भी ये साहब काम कहते हैं। सुनो जी, एक बात कहूँ? हाँ। मुझे मालूम हो गया है वो तुम नहीं हो। मैंने कहा था ना मैं नहीं हूँ। मुझे मालूम था कि तुम नहीं होगे, नहीं होगे। काहे की आवाज है? आवाज? मैं भी आया। रुक जाओ, निकालो, जरा बाहर निकालो। माँ, टूटी हुई चूड़िया। ये तो मर्दानी चूड़िया मालूम होती है। चूड़िया कभी मर्दानी होती है? नहीं तो। ये क्या गड़बड़ है भाई, ये रोना धोना कैसे? हाँ, बड़े मौके पर टपके हैं आप। अरे क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये देखिए, चूड़ियों के टुकड़े इनकी कोट की जेब से निकले। अरे ये तो कांच की चूड़िया है। हाँ। ऐसी चूड़िया मैंने शीला देवी के हाथों में देखी थी। संजीत मास्टर, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जरूर शीला देवी के घर जाते हैं। जाने दो, बच्चा है बेचारा। भैया राधा, तो बताओ ये चूड़ियों के टुकड़े तुम्हारे कोट की जेब में कहाँ से आए? ओह राधा, इंसान से गलती होती है, माफ भी कर दो। संजीत मास्टर, तो बताओ जवाब दो। भैया आप मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? बच्चा तुम ही तो हो जो रोज उसके घर में जाके सेब दिया करे। सेब? अरे मैंने कह दिया, मुझे ये नहीं कहना था। अच्छा भाई मैं चला। आग लगाकर कहते हो मैं चला, और चल दीजिए। कितने रोज से चल रहा है ये मामला, रोज रोज सेब देते हो। मैं सिनेमा स्टार को सेब नहीं दूंगा तो क्या सेराडोन दूंगा? कोई बात नहीं संगीत मास्टर, तुमने आज मुझे मुसीबत में डाल दिया, मैं इसका बदला लूंगा। ओहो, संगीत मास्टर के बेटे की शक्ल तो देखो। क्यों बे, क्या कर रहा है? चित्र बना रहा हूँ चाचा। तो चित्र कागज से बनाना, अपने चेहरे पे क्या बना रहा है? जाओ जा। क्या करता है? लाल रंग। सुन बेटा, जरा ब्रश देना। शाबाश, देख तूने कभी अपने बाप को रोते हुए देखा है? नहीं। नहीं तो आज देखेगा, जा। कहाँ? अरे जाना। संगीत मास्टर। संगीत मास्टर से ये शीला देवी प्यार करती है। आज संगीत मास्टर खत्म। भाभी भाभी, मैं लॉन्ड्री जा रहा हूँ, अगर कुछ मैले कपड़े हो तो दे दीजिए। हमने तो सब धुलने पहले ही दे दिए, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है लेकिन एक तो लटका हुआ है। ये तो अभी वो पहन रहे हैं। ये पहन रहे हैं गंदा। गंदा? हाँ हाँ देखिए ना। है ये क्या? अरे भाभी, ये आपने लिपस्टिक लगाना कब से शुरू कर दिया? हे राम, मैं? आप नहीं लगाती? नहीं तो। लेकिन फिल्म स्टार शीला देवी तो लगाती है। ये लिपस्टिक का निशान संगीत मास्टर के शर्ट पे कैसे गया? ओ भैया आ गए,
आइए भैया। अरे पार्वती ये बिल्कुल झूठे, सरासर झूठे। अरे ये पापी क्यों ऊंची सीधी बातें करता है, क्यों मियाबी में झगड़ा लगाता है? पार्वती इसकी बातों पर मत जा, इसकी बातों पर कान मत दो पार्वती। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो चला। पार्वती मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पार्वती इस तरह घूर घूर के मत देखो, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है पार्वती। बस 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 शांत शांत शांत। भाई सुनो तुम लोग, इस गुमनाम चिट्ठी पर मुझे तो विश्वास नहीं होता, मगर एक बात कहता हूं, दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसकी जड़ में औरत ही होती है। सच है, सच है, सच है। इसलिए जो औरत ठीक से रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती उसके परिवार का कभी कल्याण नहीं होता। ये भी सच है। पत्नी की नजर हमेशा अपने पति पर रहनी चाहिए, अगर वो नजर से हटा तो समझ लो हाथ से गया। अब ये चिट्ठी की बात कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम लोग अपने अपने पति को अपने वश में रखोगी यानी काबू में रखोगी तो हर चीज काबू में आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलूं, तुम भी अपने अपने काम पर जाओ, जाओ। ये क्या कह रहे हैं, काबू में रखो? वो कह रहे हैं अपने वश में रखो। वश यानी? वश नहीं जानती? वश यानी वश। ओ वश। मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया। मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। क्या बोलूं? तू न समझा
कन्हैया राधा से बन